दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के आंकड़ों और वास्तविकता पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को बचाने के लिए दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के इस्तीफे की मांग की है। गोपाल राय दिल्ली के मंत्री हैं, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते। उनका काम होता है पंजाब सरकार को डिफेंड करना। मैं गोपाल राय को कहूंगा कि एक बार पुराने वीडियोस चेक कर लें अरविंद केजरीवाल के। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब तक अरविंद केजरीवाल और खुद गोपाल राय लगातार पंजाब की सरकार को दोषी ठहराते रहे हैं। लेकिन आज जब वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो पंजाब को बचाने का प्रयास करते ज़्यादा दिखते हैं, बनिस्पत की दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। आप डेली के आंकड़े देख लीजिए, सीजनल देख लीजिए या एनुअल देख लीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो ये बताता है कि पंजाब में 1581 पराली की घटनाएं रिकॉर्डेड की गई हैं जी, 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में। 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में ये आंकड़ा है। लेकिन और अगर पिछले साल के आंकड़े की बात करूं 2023 की, तो खाली पंजाब में 9000 के आसपास पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी भी है, लेकिन गोपाल राय उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। वो बाकी राज्यों के नाम लेते रहेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या जो भी उन्होंने कहना है, लेकिन जो मूल कारण है पराली का, और जिसका मैं बार बार दो दिन से कह रहा हूँ कि 3330 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब को दिए पराली रोकने के लिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ गोपाल राय चेक कर लें, 1.5 लाख से ज़्यादा मशीनें जो वहाँ SDM और DM के दफ्तर में धूल फाक रही हैं, अगर वो काम कर जाती तो शायद पंजाब में हम पराली पर रोक लगा सकते थे। लेकिन अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए आप दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं गोपाल राय। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन आंकड़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, तो जिस IARI के आंकड़ों की बात मैं भी करूँ, उसको भी एक बार पढ़ लें लगातार। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, तो 2022 में पंजाब में 15.43 लाख हेक्टेयर खेत जले, जो कि 2023 में बढ़कर 19 लाख हो गए। इस पर गोपाल राय नहीं बोलेंगे। लगातार दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया है, लेकिन पराली के असली दोषी को छुपाने के लिए, जैसे मैंने कल भी कहा, क्योंकि पंजाब सरकार इनके लिए, इनकी सरकार तो है ही, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो जमानत पर बाहर है, उनके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइडेड सर्विसेज देने का भी माध्यम है। तो अगर सुविधा भोगनी है, तो फिर पंजाब सरकार की नाकामियों को छुपाना गोपाल राय की मजबूरी हो जाता है। तो मैं बार बार गोपाल राय से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा, और जैसे अभी जो चीज़ मेरे सामने है कि कल 22 अक्टूबर को, ये सिर्फ अभी का आंकड़ा जो मेरे पास है, क्योंकि आज 22 अक्टूबर का आंकड़ा वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, 22 अक्टूबर को खाली अकेले पंजाब में 71 घटनाएं रिकॉर्डेड की गई हैं पराली की, और ये कहते हैं कि हमने पराली बिल्कुल कंट्रोल कर ली है। तो आपके आंकड़ों में और आपके दावों में गोपाल राय विश्वसनीयता कम है, झूठ ज़्यादा है। अच्छा होता कि आप दिल्ली के मंत्री के नाते दिल्ली में हम प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके एफर्ट्स के बारे में बताते हैं। एक चुनौती और देता हूं आपको, 76,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, बताइए पोल्यूशन पे आपने कितना, पोल्यूशन रोकने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया। तो मेहरबानी करके या तो आप अपने पद के साथ इंसाफ कीजिए, वरना इस्तीफा देके घर बैठिए। दिल्ली को संभालने वाली दिल्ली की जनता संभालेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से आपके झूठ को देख रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गोपाल राय ओछी राजनीति करते हुए दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का दोष हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रदूषण के लिए यूपी हरियाणा नहीं पंजाब जिम्मेदार है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।